कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हो पा रही थी। शिव भक्तों में इसे लेकर मायूसी थी। इस बार कोरोना का प्रकोप कम हुआ है और हालात सामान्य होने लगे हैं, तो महाशिवरात्रि पर कांवड़ियों का रेला सड़कों पर उमड़ पड़ा है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के ऐतिहासिक ओगड़नाथ शिव मंदिर में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिव भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। हर भक्त अपने भगवान आशुतोष की आराधना करते हुए यहाँ पर जलाभिषेक की तैयारी कर रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भक्तों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर ओगड़नाथ मंदिर में भक्तों के लिए जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें पुलिस फोर्स के साथ साथ मंदिर के कर्मी भी लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार जो शिव भक्तों में उल्लास और भक्तों में जो है उत्साह देखते ही बन रहा है। फिलहाल आशुतोष को जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्त लाइन में लगे हुए हैं। उसमें मैं इसलिए बच्चों को लेकर अपने पोती पोतों को लेकर आई हूँ और कुछ कुछ मांगने के लिए आई हूँ शिव भोले शंकर से, कुछ देंगे तो उम्मीद से आई हूँ और बड़ी खुश हूँ मैं, भगवान मेरी इच्छाएं पूरी कर दे। हम ओगड़नाथ के मंदिर पे जा रहे हैं, आज महाशिवरात्रि है ना, इसलिए हमें मतलब हमारी इच्छा हुई कि हम भी अपना मतलब दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि के लिए ओगड़नाथ के मंदिर पे आए और इतने मतलब समय बाद ये लॉकडाउन खुला है मतलब कोरोना की वजह से, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज मतलब सब ऐसे घूम रहे हैं और खुलेआम ऐसे, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस धन्यवाद। आज इस शानदार महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में आया, क्योंकि हम सब लोग हिंदुत्व में आस्था रखते हैं और आज बहुत शानदार हो गया है। और बात की जाए व्यवस्था की, शासन की, प्रशासन की और मंदिर समिति की, बहुत शानदार व्यवस्था है और यहाँ के हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। फागुन मास की आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है जो शिव चौदस के नाम से भी जानी जाती है और महाशिवरात्रि पर्व भी कहते हैं इसको, उसमें भगवान शिव का प्रकट हुआ था। आज के दिन जो है भगवान शिव की बेलपत्र फूल फल मिष्ठान से दूध से अभिषेक करके पूजन करने से बाबा सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनका आज जो है प्राकट दिवस होता है। तो आज जो भी मानता भक्तजन मानते हैं उसको जो है भोलेनाथ जरूर सुनते हैं और रात्रि जागरण करें तो बहुत ही बढ़िया है। जो पंच समय की पूजा होती है, प्रातःकाल, सायंकालीन, रात्रि में 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, ये पूजनों का करें और बाबा से पूरा लाभ प्राप्त करें, ऐसी हमारी जो है शुभकामनाएँ भक्तों को सभी रहे। और महानिशा तो ही है, आज पंचग्रही योग हैं, बाबा भोलेनाथ जी जरूर सबकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। बाबा व्यवस्था सवेरे 5 बजे से आरती के बाद से भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, सभी लोग जलाभिषेक करा रहे हैं। मंदिर के बाहर से अंदर गर्भगृह तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर में जल और लोटे की व्यवस्था गेट पे ही की गई है, जिससे भक्तों को जल और लोटे वहीं मिल सकें, भागना ना पड़े इधर उधर। और सब लोग बड़ी व्यवस्था से सुबह से जल चढ़ा रहे हैं 5 बजे तक, अभी तक लाइन नहीं टूटी है। आज 24 घंटे जल चढ़ेगा। सवेरे 5 बजे आरती हो गई, अब शाम को 7 बजे आरती होएगी, फिर रात को 11 बजे आरती होएगी, फिर 1 बजे आरती होएगी, फिर उसके बाद शाम को फिर सवेरे की 4 बजे की आरती होके और सवेरे मंदिर बंद होगी। देखिए महाशिवरात्रि के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भारी मात्रा में पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। पुलिस बल के अलावा हमारी माउंटेड पुलिस और एरियल सर्विलांस भी रखा जा रहा है। जो पूरा इलाका है, तीनों तरफ से आने वाले रास्ते, इनको बैरिकेड लगा के सभी प्रकार के वाहनों की जो एंट्री है उसको रोकी गई है। और ये पूरा इलाका सीसीटीवी सर्विलांस के अंतर्गत है, जिसका कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखिए अभी चूंकि आपको पता है कि चुनाव है और जिले की लगभग 70% फोर्स जो है वो बाहर चुनाव ड्यूटी में गई है, तो उसको देखते हुए फोर्स हमने लगभग यहाँ 400 के आसपास कॉन्स्टेबल्स डिप्लॉय किए हुए हैं। इसके अलावा 4 घोड़े माउंटेड पुलिस के हैं, वो अभी यहाँ पे ड्यूटी पे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर पहले शिव भक्त कम ही कांवड़ लेकर आते थे, जबकि सावन की शिवरात्रि पर करोड़ों शिव भक्तों के जत्ते ही जत्ते सड़क पर नजर आते थे। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर शिवालयों पर पहुंच रहे हैं और सोमवार रात से ही भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया जा रहा है। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।